समझो पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको समझाएंगे अभी, लिख दो सब। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इसको बोलते भैया वेपर प्रेशर। और ये कब होता है? जब लिक्विड और उसका वेपर इक्विलिब्रियम में होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, आपने देखना होगा विशेषकर आयरन मैन स्पीच की, जब आयरन मैन ऊपर जाता है नीचे एग्जॉस्ट छोड़ता है ऐसे, तो ये ऊपर उठता है। तो वैसे ही भैया कोई भी चीज, न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, किसी चीज को ऊपर जाना है तो नीचे क्या करेगा? प्रेशर छोड़ लगाएगा ना, प्रेशर लगाएगा तभी तो ऊपर जाएगा। वही एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर, जो प्रेशर लगाया जा रहा है किसके द्वारा लगाया जा रहा है? वेपर के द्वारा। कहां पर लगाया जा रहा है? उसके लिक्विड सरफेस पे। कब लगाया जा रहा है? व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर, जब लिक्विड और इसका वेपर जो है भैया दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इस फेज में लगाया जाता है। व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम, तो इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एग्जर्टेड बाई लिक्विड, सॉरी एग्जर्टेड बाई वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि आप जानते हैं बॉइलिंग कब होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर होती है जब बॉइलिंग होती है, उसी समय तो वेपर बनती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम वेपर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर, जो वेपर द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है? उसके लिक्विड सर्फेस पे, लिक्विड सर्फेस है ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। और एक चीज एडिशनल जोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम में हो, व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये है जिस स्पीड से भैया लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उसी स्पीड से वेपर भी कुछ लिक्विड में चेंज हो रहा है ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, रेट ऑफ चेंज सेम है। तो क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर को? द प्रेशर इज वेपर प्रेशर। लिक्विड का नेचर कैसा है? वेपर बना रहा है, नहीं इजली बना रहा है, नेचर ऑफ लिक्विड एक तो ये वाला भी ये फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब इसके बाद राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसको सब बच्चे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि वेपर तभी जब बनेगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पे ये लाइन जोड़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। व्हेन द लिक्विड एंड इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करेंगे? नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। व्हाट आर वोलेटाइल लिक्विड्स? वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जो जल्दी वेपर बदलते हैं भैया वो वोलेटाइल होते हैं। और कौन नॉन वोलेटाइल हो? जैसे पेट्रोल हो गया और पानी हो गया, दोनों को छत पर रखेंगे तो कौन पहले वेपराइज होगा? पेट्रोल होगा, तो वो वोलेटाइल है भैया। और पानी कैसा है? नॉन वोलेटाइल, उसके कंपेयर रखेंगे वो भी वोलेटाइल है, तो पेट्रोल कंपेयर में लो वोलेटाइल है। और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाए वेपर ज़्यादा बनेगी, हम सबको पता है। तो दो चीज़ें भैया प्रभावित करती हैं, दो चीज़ें प्रभावित करती हैं इसको, वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर एकदम दिमाग बना है, कोई पूछे बता लेंगे ना हम सब, सीधा यही बताना है, हमेशा सोचना है, हर चीज़ लॉजिकल है केमिस्ट्री में, हर चीज़ लॉजिकल है। जैसे वेपर प्रेशर वर्ड आ गया तो प्रेशर कैसे लगता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया होता है, यानी कोई कुछ एरिया में कोई फोर्स लगा के ठीक है तभी तो प्रेशर आएगा। अब वेपर है तो वेपर तो ऊपर ही जाना है, वेपर को सरफेस पर इसका मतलब है फोर्स लगाएगा कुछ यूनिट एरिया में तब जाएगा, तो यूनिट एरिया में फोर्स लगाएगा इसलिए प्रेशर है। एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर,
किसको ऊपर जाना है, किसको प्रेशर लगाना है, वेपर को। तो सरफेस पर प्रेशर लगाया कौन, वेपर लगाएगा। आन कहाँ लगाया, किस सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे। कब लगाएगा, जब लिक्विड और इसका वेपर इक्विलिब्रियम में हो, तो इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। और कौन कौन फैक्टर असर करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, किस नेचर का है। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जल्दी वेपर बनेगा। इस बार राउंड लग, राउंड लग बहुत ईजी है और इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ चीजें किताब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये ज्यादा हो सकता है, नहीं डेरिवेशन नहीं तो रहेंगे, लेकिन वो हम लोग इसलिए पढ़ेंगे ताकि वो जो है हमको किताब पे डोमिनेंस मिले थोड़ी सी। अब मैंने बोला था इस चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। राउल्ट्स लॉ, कल हेनरी का लॉ पढ़े थे और उसको न्यूमेरिकल सभी नहीं किया है। राउल्ट्स लॉ, हालांकि मैं बीच में बात करता हूँ, इस बार ऐसे टॉपिक खत्म हुआ बीच में करने मौका नहीं, अच्छे देखते हैं, ठीक है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जैसे आप समझिए कि पानी में आपने चीनी घोला है या कुछ इसी तरह के, एंड वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, ऐसा नहीं हम जो लिख रहे हैं ये आप जान रहे हो क्योंकि आपने कल प्रूव कर लिया था इसको, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कर्व ऑफ एनी कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, या मल्टीपल बोल सकते हैं आपको, या उसको आप फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। अरे ये वाली बात आपने कल देखा था, आपने कल ये देखा था, कुछ बच्चों ने जो पढ़ रहे थे, डिपेंड करता है यक्स पे, यानी कि मोल फ्रैक्शन पे, जब हेनरी का लॉ पढ़ रहे थे तो ऐसा पढ़ा हुआ था। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ क्या है, क्या लिखा हूँ, वेपर प्रेशर, दो लिक्विड के निकालना है, ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए है हम लोग जो कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें हम दो केस क्लियर करने वाले हैं, एक लिक्विड लिक्विड सिस्टम का, ये पहला हेडिंग के साइड में लिख लीजिएगा, समझते हैं। राउल्ट्स लॉ दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक बार लिक्विड लिक्विड के लिए पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, मान लीजिए वोलेटाइल लिक्विड्स है, एक सोल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, दोनों वोलेटाइल है, लिक्विड जनरली वोलेटाइल होते हैं। तो ये सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स का है, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर तो आप समझते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, क्योंकि ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब है दो लिक्विड है, तो किसी भी उसमें दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट में जो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर हमेशा हुआ करेगा, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में होगा इनटू उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि दो है इसलिए दोनों का फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई वन थर्ड होगा, कोई टू थर्ड होगा, कोई हाफ होगा, कोई हाफ होगा, तो इनका फ्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वही मोल फ्रैक्शन है। और ये किससे मल्टीप्लाइड होता है, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल जो होता भी है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर। अब मान लीजिए दो लिक्विड हमारे पास थे, दो लिक्विड में कुछ चीजें हैं, इसके लिए हम लोग कुछ चीजें मान लेते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड बी है, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है और एक लिक्विड ए है। चलिए देखते हैं सिंबल किसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ सिंबल हम लोग लेंगे जिसके बेस पे आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, यहाँ पर सिंबल लेने वाला भैया पीबी नॉट, और इसके लिए पीए नॉट से हम डिनोट करेंगे बार बार, ठीक है। वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे दिखाएंगे हम सबका, पार्शियल वेपर प्रेशर दिखाएंगे भैया पीबी से और पीए से, ठीक। और कहीं जरूरत पड़ेगी तो मोल कैसे दिखाने वाले हैं,
जैसे इन सब के मोल, तो एक को कैप्टर्स दिखा देते हैं और एक को स्मार्ट दिखा देते हैं, यन और यन, यन और यन, ऐसे मोल। मास से मोलर मास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास को, मोलर मास को एम बी से दिखाएंगे इसके, और इसके एम ए से दिखाएंगे। तो ये सारी बातें हैं कुछ, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मोलर मास को एक चीज और दिखाते हैं, मास को कैसे दिखाएंगे, डब्ल्यू बी से और ये डब्ल्यू ए से, ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि ए है बी है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम पे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी सब इधर जी है करते चलिए, सब बहुत आसानी से आ जाएगा। वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट, पार्शियल वेपर प्रेशर, मोल, मोलर मास, मास, ऐसे सब कुछ है। पी नॉट बी है, हाँ समय पी नॉट बी हुआ नहीं, प्योर स्टेट के लिए, ये प्योर स्टेट के लिए है, इसका पी नॉट, पी नॉट नॉर्मल है तो बिल्कुल। ये वाले को फिर इस पर बात करें, इसके बाद जो है हम लोग आगे चलें। तो क्या इतना जरूरी है कि याद रखें हम लोग, बिल्कुल याद रखने जो नहीं है, कैसे हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं वो समझ। तो राउंड के नियम को जो हम लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे ये देखेंगे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर होता है, ये जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के बराबर होता है, ठीक है, ये पता चला हमें। चलिए इसको रफ करते हैं, इसको रफ करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसे वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, इसको पी बी नॉट से दिखाएंगे, पी ए नॉट से दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे पी बी और पी ए से, और मोल को स्मॉल एन कैपिटल एन से, बात कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिक्विड ए के लिए कैपिटल एन है यहाँ पर देखिएगा। अब मोलर मास को एम बी और एम एस, यहाँ तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है कोई, तो सिंबल लिए गए, सिंबल लिए हैं अपने से, एज्यूम किए हैं, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो जो कंफर्टेबल हो इसमें। चलिए देखते हैं ये कहा क्या जा रहा है। जैसे दो लिक्विड है, दो लिक्विड है भैया हमारे पास, हम एक एक लिक्विड का देखते हैं, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, कुछ ज्यादा इंक हो गया, लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। पहले लिक्विड ए के लिए देखते हैं, लिक्विड ए के लिए पी ए डिपेंड करता है भैया किस पर डिपेंड करता है, इसके मोल फ्रैक्शन पे, एक्से पे, ऐसे, यानी कि पी ए केस के बराबर हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्से। जब आपने शुरुआत में लिखा था तो आपने यही लिखा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यही लिखा है पहली लाइन। और ये देखिए यहाँ पे यही आता भी है इसका, ऐसे लिक्विड ए का है ये, ऐसे लिक्विड बी का है, लिक्विड बी भी किस पे डिपेंड करेगा, पी बी डिपेंड करेगा भैया एक्स बी पे, और पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, ऐसे डिपेंड करेगा। अब ये सोल्यूशन, फॉर द सोल्यूशन एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा एक और साइंटिस्ट का जिक्र यहां कर सकते हो आप, किसका, डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, और जितना पी रहे हैं सब पी का सम। डाल्टन का वैसे ज्यादातर जानते किसके लिए था, गैस ला में आपने पढ़ा है, डाल्टन ला, पता नहीं सिलेबस में शायद कट गया था इस बार, लेकिन हर बार हुआ करता था। तो ये डाल्टन ला आपने पढ़ा हुआ है गैस में, और एक खास बात यह है उन्होंने ये बोला था अगर एक कंटेनर में एक से ज्यादा आपस में नॉन रिएक्टिंग गैसें भरी गई हैं,
तो टोटल कंटेनर का जो प्रेशर होता है हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सबके बराबर होता है, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कंटेनर में हमने नाइट्रोजन भरी, ऑक्सीजन भरी है, तो जो नाइट्रोजन का अपना प्रेशर है PN2 है और जो ऑक्सीजन प्रेशर PO2, दोनों को सम करेंगे तो पी टोटल आ जाता है, कंटेनर का प्रेशर आ जाता है। वैसे सेम यहाँ पर है, तो पी टोटल यहाँ पे टोटल क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है। हम चार सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। तो पीए, पीए मतलब पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी हो गया। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, वन होता है। अगर दो ही कंपोनेंट हो तो एक्स ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं वन माइनस एक्स बी से। तो ये पीए नॉट है वन माइनस एक्स बी प्लस पीबी नॉट है और एक्स बी है, तो ये पीएस है। तो पीएस बराबर हो जाएगा भैया पीए नॉट माइनस पीए नॉट एक्स बी प्लस पीबी नॉट है और एक्स बी है, ये हो जाएगा। अगर इसको प्लस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला दे, इसको उधर ले जाए। तो पीए नॉट प्लस पीबी नॉट एक्स बी माइनस पीए नॉट एक्स बी। अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, किसको कॉमन लिया जाए, एक्स बी को। तो ये आ जाए भैया पीबी नॉट माइनस पीए नॉट, ये आ गया पी सोल्यूशन का। एक तो ये आता है, और दूसरी बात ये होती है हमें इसका ग्राफ खींचना होगा। बहुत सिंपल, देखिए लिक्विड का पीए मतलब वेपर प्रेशर जो है किस पर डिपेंड करता है, इसका मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है, लिक्विड बी का भी डिपेंड करेगा। इसी तरह से जो दो लिक्विड है, दो लिक्विड का सोल्यूशन के लिए यहाँ राहुल के नियम पर बात ही चल रही है। तो यहाँ पे पीए तो ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये कांस्टेंट आएगा पीए नॉट एक्स है। इस तरह यहाँ भी आएगा, तो डाल्टन, डाल्टन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल वेपर प्रेशर इंडिविजुअल लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो दोनों का अपना अपना ये सम किया गया, सम करने के बाद ये पी टोटल, टोटल मतलब सोल्यूशन, दोनों मिलाने पर सोल्यूशन ही बनेगा, इसलिए मैंने इसको सोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर दिया पीएस से। पीएस बराबर ये आ गया। फिर इसके बाद एक्स ए एक्स बी हम लोग जानते हैं बराबर कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ एक्स ए बराबर क्या लिखेंगे, फिर वन माइनस एक्स बी लिखेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, इसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर इसको पास टू करने के लिए इधर हम लोग इसको अगल बगल ले आए, फिर कॉमन ले लिए, तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे ग्राफ बनाना होता है, तो आपको याद होगा कि हम लोग जब वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्यों ऐसा बनाते हैं, क्योंकि अगर एक्स जीरो होगा तो वाई क्या हो जाएगा, अगर एक्स जीरो होगा तो वाई भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसका मतलब यह है कि दोनों ग्राफ, ये सॉरी दोनों नहीं, ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू है। ये ग्राफ कहाँ शुरू है, ओरिजिन से, ठीक है। ये वीडियो में थोड़ा कट रहा है तो इसको मैं नीचे और ले जाता हूँ। तो जैसे y बराबर ये mx है, इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ से शुरू होता है, ये x एक्सिस है, y है, इसको जीरो करेंगे तो y बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि ये ओरिजिन से शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही दिख रहा है आपको y बराबर ये mx टाइप का। तो अगर हम इंडिविजुअल बनाए किसी का, पीए एक्स ए है, ये हो जाएगा पीए नॉट, ठीक भैया। इसी तरह से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या है, यंग स्लोप है, यंग स्लोप है, मैथ में पढ़े हैं आप लोग। इसी तरह से ये पीबी है, या पढ़ने वाले होंगे जो भी है, ये पीबी है, यहाँ पे एक्स बी है, यहाँ पे भैया ये की जगह ये पीबी नॉट हो गया। अगर एक साथ दोनों ग्राफ को लाएं, एक ही स्केल पर लाएं दोनों ग्राफ को, तो हम ले आ रहे हैं दोनों को एक साथ, चलिए देखते हैं, तो कुछ इस तरह से आता है। अब यहां से एक्स पीए है, या आप कहिए इस तरफ हमने वेपर प्रेशर दिखाया है, इस तरफ हम लोगों ने दिखाया है मोल फ्रैक्शन को, इस वाले स्केल मतलब इस वाले पे, ठीक है, एक्सिस पे। तो यहाँ पे ओरिजिन है पीए की, ठीक है, इस तरफ पीए वाला है, ये वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, ओरिजिन पे क्या होता है, जीरो होता है ओरिजिन पॉइंट पे, और एक्स भी क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा, मान लीजिए वन मान लेते हैं कुछ देर, यहाँ पे एक्स बी की ओरिजिन है, ये जीरो होगा, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये रिप्रेजेंट करता है भैया पीए नॉट एक्स ए को, ये रिप्रेजेंट करता है पीबी नॉट एक्स बी को, और दोनों को मिला दिया तो ये किसका आ जाएगा, पी सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, ये भैया आ गया अपना ग्राफ। तो ग्राफ इस तरह से इस चैप्टर में बनता भैया, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए इसी को, इसको इसी के साथ लाना था, इसको हम एंगल बस को डायरेक्शन मोड़े हैं। जैसे अभी आप इसको मिरर दिखा दीजिए ना, इसको शीशा दिखाओ और कैसा लगेगा, उल्टा दिखेगा ना ये, तो बस उसको शीशा दिखा के जोड़ लीजिए साथ में, ठीक।
तो ऐसे इसका ग्राफ आएगा। इतना बात एकदम पक्का समझ में, जिससे मतलब हमको याद नहीं करना है, हमें सिर्फ जो आप लिखे भी हो ना वो भी याद नहीं करना है, वो सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे इसके बराबर है, सीधे सीधे कुछ याद वाद नहीं करना होता, बस को थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी, क्योंकि ये हमेशा होती है। वेपर प्रेशर हमेशा भी ये किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। ऐसे अंदाज लगाइए किसी भी गैस का, जैसे एक एक लिया हमने लिक्विड लिया जिसका वेपर प्रेशर बन रहा है, अब दो लिक्विड उसमें है, एक का क्या है, एक लिक्विड जो है ज्यादा अमाउंट में है, एक लिक्विड भैया कम अमाउंट में है, तो वेपर अगर बनेगा तो किसका बनेगा, ज्यादा जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा उस सोल्यूशन में। तो इसीलिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी मात्रा ज्यादा उसका ज्यादा वेपर बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये कोशिश करिए, इसको समझ लीजिए एकदम बढ़िया से, और इसको ऐसे आप लोग बता सको किसी को, मतलब किसी को क्या, खुद को बता सकना है एक बार आप में लिख करके, फिर कोई पूछे तो बता सको एकदम सिंपल भाषा में, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश किया, अभी इसको बहुत देर से बताना है, इसको जल्दी से नोट करिए, तभी आगे बताने के लिए थोड़ा हम लोग पास वक्त बचेगा। छोड़ दिया हो, बहुत तेज भी नहीं भागे कि सब ऊपर से उड़ा हो, क्योंकि तेज कब भागा जाता है जब सामने वाला पकड़ ना पा रहा हो, तो तेज भाग रहे हैं। हमको लगता है हमारे बच्चे इस बार लकी है, फिर से बच्चे अच्छे हैं, सारी चीजें पकड़ लेते हैं। चले आगे चले इसको, अब भैया एक चीज और पढ़ रहे, ठीक है, डायग्राम कैसे बना सब समझ में आया ना, इसकी उत्पत्ति समझ में आई ना, ये कैसे आई है चित्र, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आता है जल्दी, तो ये फिलहाल ऐसा दिया भी नहीं है, ऐसे ऐसे बना है, ये मेरा इनोवेशन है, बहुत चीजें अपनी पढ़ाएंगे ना जोड़ के, तभी तो बच्चों को समझ में आएगा, कुछ तो नया बताना पड़ेगा ना, हालांकि कॉन्सेप्ट यही है इनके पीछे। ठीक है, चलिए डाल्टन्स लॉ, अब इसमें डाल्टन्स लॉ पढ़ना है, डाल्टन्स लॉ पढ़ना है इसमें, तो क्या होता है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे, आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे हमने भी बताया था, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कई गैसेज हैं और सभी गैसें आपस में नॉन रिएक्टिंग हैं, तो हर एक गैस का अलग अलग जो प्रेशर है उसको सम करने पे टोटल प्रेशर गैस का मिल जाता है, यही डाल्टन का नियम है, समझ आया, क्या समझ आया बताओ जल्दी मुझे बताता कि ये भी अलग नहीं कर पा रहा है, एनालाइज नहीं कर पा रहा है इसका, ये बता रहा मैं, जैसे एक कंटेनर है उस कंटेनर में कई गैसें भरी हैं और गैसें आपस में कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग है, तो हर गैस का अपना अपना प्रेशर जो है उसको जब भैया सम करेंगे वो टोटल प्रेशर के बराबर होती है, यही तो डाल्टन का लॉ था। तो चलिए फिलहाल उसी को पढ़ते हैं, यहाँ पे कैसे डाल्टन का लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू होता भैया मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस में और आगे चले हम लोग, मान लीजिए पीए के लिए निकाल रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन वाई ए मान लेते हैं इंटू पी टी, ऐसे पीबी के लिए पीबी बराबर मान लेंगे वाई बी इंटू पी टी, वाई ए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए या वेपर, जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वाई बी क्या है भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अब पीए की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, पीए नॉट एक्स ए कर लें तो वाई ये पीटी हो गया, पीबी नॉट एक्स बी कर लें जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी, तो वाई बी इंटू पीटी हो गया, सिंपली फर्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ रहे हो इसे थोड़ा सा कुछ वर्ड विचित्र लग सकते हैं, लेकिन जब इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो सब कॉमन हो जाते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, वाई ए वाई बी मोल फ्रैक्शन है, कब का मोल फ्रैक्शन है भैया पता है ना, मोल फ्रैक्शन है ए इन वेपर फेज में, वेपर या गैस के लिए तो लगता है ना इन वेपर फेज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की लाइनें पूछी जाएंगी अभी आपसे, वेपर फेज में बताना है तो इसलिए ऐसा, अब इसको एक तो लिख लीजिए, तब एक बहुत बढ़िया शानदार सवाल लिखें, और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सवाल दिया है तो उसको नोट कर लीजिए। आया तुम्हारे मास्टर, आया थे कि आवाज क्लियर नहीं आ रही थी।
ऑनलाइन क्लास है। दोनों में क्या कोई अंतर है? ये कैसी चीज है? कौन इसमें ड्रिंकेबल अल्कोहल है? ड्रिंकेबल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। इसको हाई स्कूल पढ़े थे ना कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है कहाँ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर करेगा। और ब्रेन में भी भैया जो ऑप्टिक नर्व आंख से जाती है उसको डैमेज कर देता है, तो आदमी लोग को दिखता ही नहीं है। यही वजह है कि रिक्शे वाले या जो रिक्शा पुलर्स है या गरीब लोग हैं ज्यादातर ये जाके कच्ची दारू पीते जब बनती है, जैसे अपने यहाँ दो तीन एरिया में अरहल बनती है, लवायन कलाम बनती है, सब जगहों पे, तो उनको आई प्रॉब्लम बहुत रहती है, एक डेंजरस चीज होती है। सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अभी इस समय कुछ समय पहले आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, छापा पड़ा था सोल्यूशन पुलिस का, और जगह जगह से लोग पकड़े जा रहे थे जो कि अवैध रूप से बना रहे थे। इसके लिए लाइसेंस जरूरत होती है और एक मानक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। ये आइडिया जो ये दिया है बेटा, इसके बेस पे हम लोग मोल निकाल सकेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक। और क्या दिया है? एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें कुछ चीज और दिया है, एट 300 केल्विन पिनाट मेथेनॉल बराबर दिया है 90 mmHg, और पिनाट एथेनॉल बराबर दिया है कितना दिया भैया 51 mmHg। अब बोला है कि कैलकुलेट करिए, क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग? पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। एक तो ये भैया, दूसरा क्या चीज था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ये क्वेश्चन जो है आजकल काफी फैशन में चल रहा है, तो इसलिए इस तरह के सवाल हम लोग बहुत अच्छे से भैया करेंगे और बहुत सरल होते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लिया जाए, फिर हम लोग देखते हैं कैसे ये होगा। चल रही है दिखा रहा है देखो मैं छोटे से स्कूल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास हाई पावर लोग उनको भी चाहिए कि अपने कोने में बैठे होंगे। इसमें लिख रहे भैया क्या क्या दिया है वो सब लिख लेना। अब वक्त आ गया सबसे दूरी बनाकर रखने का, चाहे फ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, सबसे डिस्टेंस बनाकर रखना है। राज के लिए स्पेशली बता रहे ध्यान से सुन रहे लड़कों के लिए बता रहा है, तुम टेंशन मत लो, पता नहीं है क्या होगा, कॉमन चीज बता रहा है ना, कॉमन जो होता है उसका पढ़ाई ध्यान रहता है ज्यादातर। मेथनॉल एथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, सोल्यूशन इन मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मेथनॉल और 23 ग्राम C2H5OH एट 300 किलो। डिटेल दिया है, डिटेल दिया है, एट इतने पे पीनट दिया भैया, पीनट इस कर दिया।
पार्सल पेपर पर अब चोर लगाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या है और उसका कैसे यूज करने वाले हम लोग। डब्ल्यू दिया भैया मेथनॉल का, ठीक है। मेथनॉल का दिया कितना 32 ग्राम। वेट, वेट दिया भैया एथेनॉल का कितना दिया है 23 ग्राम दिया है। अब इधर कर आपका रहे साइड का। मोलकुलर वेट भैया कितना दिया है, मोलकुलर वेट दिया है, दिया नहीं निकालना है 32 ग्राम। कैसे कार्बन का 12 तीन इसका 12 3 15, अब 15 और 16 कितना 31 और 1 32। इसका मोलकुलर वेट कितना हो जाएगा भैया एथेनॉल का 46 हो जाएगा। अब दोनों का मोल देखते हैं और मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल किसका, मोल एथेनॉल का देख रहे हैं हम लोग, ऐसे ही हम से लिखते हैं यान एथेनॉल का 32/32 इक्वल टू 1 आ गया मोल। और मोल देखते हैं भैया मेथेनॉल का, अच्छा ये मेथेनॉल था, सॉरी ये मेथेनॉल था, अब ये एथेनॉल है। एथेनॉल का देखेंगे 23/46 1/2 आ गया, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन देखते हैं दोनों का, x CH3OH यानी कि मोल फ्रैक्शन को x दिखाते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन है मेथेनॉल का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं पिछले क्लास में आप लोग देखे हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल ऊपर बाकी सारा मोल जोड़ के नीचे, तो 1/1.5 कैसे लिख सकते 3/2 यानी कि 2/3 आ गया, ठीक भैया। इसको 0.5 लिखते हैं जल्दी जी, 1/2 भी लिख सकते थे, ठीक, जिससे जिसको कंफर्टेबल रहे। अब ऐसे करेंगे तो किसका आएगा सबसे पहले, हाफ आया ऊपर 0.5 ऊपर आया, नीचे जोड़ के 1.5 देखो सीधे से दिख रहा है 1/3, ठीक। अब भैया हम लोग एक चीज जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि P सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, PA नॉट x से PB नॉट x भी। वैसे यहाँ अलग अलग पूछा है, आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो। PA बराबर क्या होता है, PA नॉट x से होता है। तो PA नॉट कितना भी है देखिए 90 दिया है पहले मेथनॉल का केस, अगर मेथनॉल का ले रहे हैं सब मेथनॉल का लेंगे, फिर ये भी मेथनॉल का लेंगे, ये भी मेथनॉल का लेंगे, ये भी मेथनॉल का लेंगे और x भी मेथनॉल का लेंगे। तो देखो ये कितना दिया है 90 है, और ये कितना भैया मोल फ्रैक्शन इसका अभी निकाला था आप लोग, ठीक है 2/3 है ना इसका मोल फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 60 mmHg आया भैया। अच्छा इसी तरह से पी एथेनॉल निकाल लीजिए तो ये 51 था और इसका वैल्यू भैया 13 है तो ये आ गया 17 mmHg। भैया अलग अलग वैल्यू भी ऐसे आती है तो इसको हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 60+17 तो आ गया 77 mmHg। तो पहला तो पूरी तरह सॉल्व हो गया, अलग अलग भी आ गया सब और एक साथ भी आ गया। अब पूछा है दूसरा वाला, तो वेपर फेज है सेकंड वाला पोर्शन, ये तो ए वाला था, ये बी वाला है वेपर फेज में। तो वेपर फेज का भैया यानी कि वाई ये पूछा है हमसे, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन यही होता है। तो ए को आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे मेथनॉल का निकालो मेथनॉल लिख लो, एथेनॉल का निकालो तो एथेनॉल लिख लो, ठीक है अपने पर। हाँ जिसका सॉल्व करेंगे वो हम लोग अपने हिसाब से बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी मेथनॉल अपान पीटी मोल फ्रैक्शन है टोटल प्रेशर। अच्छा आप देखो कितनी वैल्यू है भैया इसकी, इसकी वैल्यू वो देखो निकाले थे 60 था, टोटल कितना था 77 या गया। ऐसे भैया पी निकालिए एथेनॉल का एकदम फार्मूला जो अभी आप पढ़े हो जस्ट उसी के एप्लीकेशन कर रहे हैं आप, तो ये हो गया और यहाँ पे पीटी हो गया। बताओ कितना वैल्यू लिखे इसका, वाई एथेनॉल बराबर हम लिखना है हमको सब, तो पी सी टू एस फाइव ओएच की कितनी वैल्यू आई है 17 और ये 77 है। तो भैया इस तरह से दोनों का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज वाला भी आ गया, ये बी वाला भी सॉल्व हो गया। सर टेम्परेचर कहाँ है इसमें, 300 कहीं नहीं यूज है, बस वो बताया कि 300 पे इतना होता है, बहुत ढेर सारे वैल्यू ऐसी रहती भैया मेकअप जिसका कोई यूज करने जरूरत नहीं पड़ती कभी, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको जो सॉल्व कर लेगा तो अच्छा बच्चा रहेगा, हम ही सॉल्व करते हैं हमेशा अच्छे बच्चे रहे।
जिस स्कूल में पहले पढ़ाए जाते हैं ना, वैसे स्कूल हम कभी पढ़ा रहे थे, आप कुछ दिन से लगातार पढ़ा रहे हैं, तो उनको पैसे बचाने हैं ना, जब तक नहीं गया तब तक उनके 20,000 बच रहे हैं महीने। ये सवाल पढ़े हो तुम लोग जैसे है मेरे ख्याल समझ में आया होगा, और एनसीईआरटी के एक टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन ग्रुप जाओ, मुझे लगा ठंडा लग रहा है, नहीं ठंडा लग रहा है, रख पहले, हाँ ठीक, भगवान नहीं बुलाएगा, कोई बात नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही हो गया, तो सॉलिड लिक्विड के लिए पढ़ेंगे भैया, इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, चैप्टर में प्रोग्रेस बहुत सही है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। अब बंद कर दिया सर इसको, ये पूरा का पूरा अल्कोहल ही है।